Hey guys, welcome back to another video. तो गाइस अगर आप भी अपना YouTube जर्नी शुरू करने वाले हो या आपको एक अच्छे माइक की ज़रूरत है तो भाई आज आपके लिए मैं दो माइक की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। एक आएगा अपना बोया M1 और एक आएगा सिर्फ बोया M1। तो गाइस जो अपना बोया पहला माइक आएगा बोया M1 वो ये रहा। अब करते हैं भाई इसकी अनबॉक्सिंग। तो भाई कुछ इस तरह का है ये माइक, आप देख सकते हो। ये भाई इसका स्टैंड होल्डर है, जो ये माइक है इसका जो मेन माइक आएगा वो आप इसमें अटैच कर सकते हो। और इसके पीछे जो आपकी जो ऑक्स लगेगी इसकी, जो भी माइक के साथ फ्री मिलेगी। और ये जो है ये ट्राइप आपके ट्राइपॉड स्टैंड में, या आपके पास कोई भी जैसे छोटा स्टैंड है आप व्लॉगिंग करते हो तो आप इसमें इसको निकाल के इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो बिल्कुल साथ मिली इसकी ऑक्स जो कि इसको पावर देने का काम करेगी। तो गाइस ये होगा अपना एक बोया M1। तो अब हम दूसरे की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये मैंने भाई अमेजोन से परचेज किया है। तो ये है भाई बोया का M1, जो कि भाई काफ़ी फेमस माइक है और जितने भी बिगनर यूट्यूबर हैं उस भाई इसी से शुरुआत करते हैं। तो इसको भी खोलते हैं फटाफट। तो गाइस कुछ इस तरह के पैक में आता है और ऊपर आप बोया की ब्रांडिंग कर सकते हो। तो गाइस ये है इसका मेन सेटअप, ये है इसका माइक और ये है इसकी बॉक्स जो आपके मोबाइल में लगेगी या DSLR में लगेगी। और ये है इसका कनेक्टर, सॉरी ये है इसका कनेक्टर और ये इसका मेन माइक। तो गाइस ये माइक रेडी हो चुका है। तो गाइस ये होगा माइक तैयार। तो अब करते हैं भाई इनकी टेस्टिंग के, जो मेरी वॉइस आ रही है मोबाइल से उसको ट्राई करेंगे और दोनों माइक के साउंड टेस्ट करेंगे, उसको नॉइस देखेंगे बाहर से नॉइस कितना आ रहा है कितना नहीं। तो चलो टेस्ट। तो गाइस इस टाइम जो आप वॉइस सुन रहे हो वो बोया M1 माइक की है, जो कि ये लगा हुआ है कॉलर माइक है। और अब मैं इसको माइक को हटाने वाला हूँ, तो उसके बाद देखते हैं भाई कैसी वॉइस आती है। ये भाई मैंने निकाल दिया है। तो अब है भाई एक नॉर्मल वॉइस जो कि मैं स्मार्टफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप फर्क दोनों में देख ही सकते हो कैसा आ रहा है कैसा नहीं। तो अब करते हैं अपने सेकंड माइक को टेस्ट, जो कि है बोया M1। तो गाइस ये अपना सेकंड माइक है बोया M1। तो अब जो वॉइस सुन रहे हो आप ये है बोया M1 की। और अब इसको निकाल के देखते हैं कि कैसी वॉइस आती है स्मार्टफोन से। तो गाइस मैंने दूसरा अपना बोया M1 का सेटअप कर दिया है अपने वो स्मार्टफोन के अंदर। तो यार ये रहा भाई, और अब जो आप वॉइस सुन रहे हो वो बोया M1 की है। तो आप देख लेना कैसी वॉइस आती है। मैं माइक को निकालने वाला हूँ तो फिर स्मार्टफोन की आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं। तो गाइस ये निकाल दिया है मैंने बोया M1। तो अभी स्मार्टफोन की आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, तो आप फ़र्क देख सकते हो भाई दोनों में कितना है कितना नहीं। तो जैसे भी आपका भाई बजट अलाउ करे आप उस हिसाब से परचेज कर लेना। जो बोया M1 है वो मुझे लगभग 749 रुपये का पड़ा है, और जो बोया M1 है ये था भाई अपना 1799 का पड़ा है मुझे। तो आप देख लेना भाई जो सभी आपको ठीक लगे अपने बजट के अकॉर्डिंग। और अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो भाई मैं तो कहूँगा आप इसी के साथ जाओ, बोया M1 के साथ। ये बहुत अच्छा माइक है, कॉलर माइक है, उसकी तार भाई बहुत लंबी है कम से कम। तो भाई इसकी जो तार है वो 6 मीटर की तार है, तो आप इसे आराम से कॉलर में अटैच करके आपने कोई थोड़ा दूर से वीडियो बनानी है या कुछ शूट करना है दूर से तो आप वो कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए बाय।